लेकिन ये सत्य है कि बिहार आज अपराधियों के हवाले है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार में क्राइम जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है, लेकिन जेडीयू एमएलसी गुलाम रसूल बलियाबी कहते हैं कि अपराध की गंगोत्री के सुपर स्पेशलिस्ट है तेजस्वी यादव। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव जी हैं। अपराध बढ़ रहे हैं, सीएम नीतीश कुमार समीक्षा बैठक करते हैं, गुलाम रसूल बलियाबी कहते हैं कि अपराध के गंगोत्री के सुपर स्पेशलिस्ट हैं तेजस्वी यादव। पिछले 24 घंटे में बिहार में 27 हत्याएं हुई। अब इससे बड़ा प्रमाण गंगोत्री का क्या हो सकता है? भले ही अपने कुछ सहयोगियों के बल पर इस हत्या और लूट की खबरों को प्रमुखता से भले ही उठने ना दें, लेकिन ये सत्य है कि बिहार आज अपराधियों के हवाले है। हर बिहारी कहीं न कहीं संशय में बिहार में जी रहा है। तो अपराध की गंगोत्री कहाँ बह रही है? एनसीआर का रिपोर्ट क्या कहता है? जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़े हैं, उन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि बिहार आउट ऑफ कंट्रोल है क्राइम के मामले में। और जहाँ तक शासन, हमारे शासन काल में एक दो हत्याओं की प्रमुखता जहाँ दी जाती थी, आज 27 हत्या जब 24 घंटे में घटती है तो हेडलाइन नहीं बन पाती है। मेरा मत साफ है कि नीतीश कुमार जी भाजपा के अनुकंपा पर मुख्यमंत्री हैं, तो अनुकंपाई मुख्यमंत्री से क्राइम कंट्रोल की बात करना बेमानी होगा। ये सही में थक चुके हैं और उब चुके हैं। तो थकाओ और उबाओ और अनुकंपाई मुख्यमंत्री से बिहार में कानून का राज की कल्पना हमें लगता है बेमानी है। सुशील कुमार मोदी ने आज अपना नॉमिनेशन कर दिया राज्यसभा के लिए, सीएम नीतीश कुमार भी इस दौरान थे। उन्होंने कहा कि हम तो चाहते थे कि सुशील कुमार मोदी साथ रहे, लेकिन जग जाहिर है फैसला, उनको बधाई दी है उन्होंने। एक तरह से उनको मलाल है, सुशील कुमार मोदी जी जा रहे हैं दिल्ली, तो पहले एक विकेट जाएंगे तो ना दूसरा विकेट पीछे पीछे जाएंगे, उसी रास्ते इन्हीं को जाना है। चूँकि एक रास्ता इन्होंने अख्तियार किया है, भेजाया है अपने दूत को आगे, पीछे से यह भी जाएंगे, नीतीश कुमार भी जाएंगे पीछे से। तो बिहार की सत्ता जो डेमोक्रेसी को हैक करके उन्होंने हासिल की है, तो पूरा देश जानता है कि बिहार में जो आवाम है उन्होंने अपना जनादेश कहीं ना कहीं सुना दिया है महागठबंधन के पक्ष में। पर चुनाव आयोग ने जो नतीजे सुनाया है, उस नतीजे के आलोक में बिहार में इनकी सरकार है। तो एक बात स्पष्ट तौर पर मान लीजिए, आभा डूब चुकी है, आभा मर चुकी है, तंत्र कहीं न कहीं इनके निर्णय से सहमत नहीं है। छोटी छोटी मछली पर कार्रवाई कर रहे हैं, दरोगा पर, इंस्पेक्टर पर, अब बड़े बड़े खेप जो आते हैं शराब के, बड़े बड़े खेप एसपी डीएसपी पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? तो क्राइम कैसे रुकेगा? क्राइम जब का संरक्षण ही जब बड़े लोगों से मिलेगा तो क्राइम कैसे रुकेगा? चलिए, ये थे आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव जी। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।